ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ लोग जुड़ेंगे और बताएंगे कि हमें किसी को पैसे के बारे में नहीं बोलेंगे और किसी से पैसा नहीं लेंगे। हमें जोड़ने का ही सबसे ज्यादा जोड़ने का ही प्रयास करना चाहिए, करना करेंगे तो काफी लोग, हमें उम्मीद है कि काफी लोग, हम लोग ये ज्यादा नहीं थे, अप्रैल तक हम लोग चाहेंगे कि हजारों की गिनती में हम लोग जुड़े और जोड़ने के बाद फिर हम लोग सोचे कि कैसे आगे से आगे बढ़ना है। तो मैं सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ कोई इसमें जुड़ते जाए, एटलीस्ट NRA जो है एवरी सैटरडे इसमें आए और सैटरडे में सुने और बोलें और बताएं और जो उसके मन में क्वेश्चन है वो उठाएं और उसके क्वेश्चन का वो आंसर भी हमारे सीनियर साथी दे सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे दुबई से जो लोग हैं उसके काफी बढ़िया ग्रुप चल रहे हैं और दूसरे भी काफी ग्रुप चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर सत्यनाथ जी काफी एक्टिव है, डॉक्टर दीपंकर जी काफी एक्टिव है, राजवीर जी, हमारे सभी साथी काफी एक्टिव है जो NRA में है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसके ऊपर वर्कआउट करें, आप लोग इंडिया में वर्कआउट करें, हम लोग बाहर बैठकर बाहर के साथियों से संपर्क बनाएं और इसमें लेकर आए तो बढ़िया बात है। हमारे रूपलाल साथी जो है ग्रीस से, वो भी अपना न्यूज पेपर चलाते रहते हैं और चलाया है इन लोगों ने, तो काफी काम करते हैं जो NRA अम्बेडकर राइटर काफी बैठे हैं, काफी बाहर है जो यही चिंता में रहते कि हम लोग इकट्ठा कैसे हों, इकट्ठा होकर अपने लोगों के लिए काम कैसे कर पाएंगे। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे MS बैल साहब है जो हमारे सबसे सीनियर साथी हैं, तो काफी इनसे सीखने को मिला है और जहां पर भी आते रहते हैं आकर हमारे साथी इसको अब भी अडी कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में आए तो हमारे बीच में बात करें, तो कनेडा में भी काफी इसको जानने वाले हैं, तो हम लोग प्लान बनाएंगे कि इसके ऊपर फिर और वर्क आउट किया जाए तो बढ़िया बात है। आपका बहुत टाइम तो नहीं लेना चाहता मैं, तो हम बात करते जाएंगे। थैंक यू आपका, जय भीम नमो बताए। जय भीम नमो बताए। हमारे साथ रूपलाल ग्रीस से जुड़े हुए हैं, हम चाहते कि रूपलाल जो ग्रीस से जुड़े हैं तो वो अपने इंट्रोडक्शन कराएं तो बढ़िया बात है। वो इस यही है कि हमने जो IBO जो हमारी संस्था है उसी के माध्यम से हम जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध जी को समझते हैं उनको अपने संपर्क में लाने का काम करते हैं, और जो लोग गुरु रविदास और सतगुरु वाल्मीकि साहब या सतगुरु गुरु नानक देव जी की जो विचार समझते हैं और पाठ पूजा में ना जाकर उन लोगों को भी अपने लागे नेड़े लाने का काम कर रहे हैं, और हमने कुछ काम किया भी है, लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग काम करते हैं वैसे समाज को तोड़ने वाले वाले लोग भी काम करते हैं, इसीलिए थोड़ी बीच में मुश्किल आ रही है। जैसे हमारे समाज के पॉलिटिकल लेवल पे दलाल है, वो हमारी पॉलिटिकल बात आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसी ही बात धर्म में भी है और सभी दिशाओं में चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को बुद्ध साहब को अच्छी तरह समझते हैं उनको अपने नेड़े ले आए और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और हम आप सभी से मिलकर ये कोशिश करते रहेंगे और करते भी हैं और लगे हुए हैं कि जो लोग समाज के परिवर्तन की लहर को संविधान को बचाने के पक्ष में है उनको सभी को साथ में जोड़ा जाए। जयवीन थैंक यू सर। थैंक यू रूपलाल सर यहाँ जोड़ने के लिए, हम सभी और सभी को इकट्ठे करना है हमारा काम है सर। रवि रवि महेश सर आप और देख ले, नहीं तो फिर इधर से हमारे साथ डॉक्टर राजवीर जी जो न्यूयॉर्क से हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि राजवीर जी अपना इंट्रोडक्शन करा कर थोड़ा कुछ बोले। राजवीर सर सुन रहे हैं क्या? रवि रवि महेश जी को, रवि अम्बेडकर जी को प्लीज जाएं। हेलो जी डॉक्टर राजवीर सर। जी सर हाँ जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में हूँ, और रवि महेश जी और हम ना काफी मतलब इस सब इश्यूज पे काफी डिस्कशन हमारा होता रहता है, तो यही है।
अभी और कुछ बोलना था या बस है ना? आपके बारे में इंट्रोडक्शन है राजवीर जी, कि आप की करते हैं और इंडिया से कहां से हैं और न्यूयॉर्क में कहां कहां पर आप रहे हैं, कहां कहां पर पढ़ा है? इंडिया से मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर में भी गांव है एक जो 40 किलोमीटर दूर, वहां से हूँ। बरवाला गांव है बुलंदशहर में। और मैंने जो एजुकेशन ली है वो दिल्ली से ली है। जामिया हमदर्द से एमएससी किया था, बुलंदशहर से बीएससी, और पीएचडी मेरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से है बायोटेक्नोलॉजी में। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर था। फिर उसके बाद वहां से छोड़ के मैं इधर आ गया यूएस में। तो यूएस में मेरे को 14 साल हो गए और यहाँ पे करंटली मैं मेमोरियल सलोन कैटरिंग कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। और यहाँ पे सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, इसमें भी मतलब टीचिंग कर रहा हूँ। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के कॉलेजेस में टीचर हूँ। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है और हम लोग काफी यहाँ पे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। आई आई भाई जी, नमन संघ के सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर वीना राउत नागपुर से हूँ और एमए जांबुले सर जो है वो हमारे प्रेरणा स्थान है, उन्होंने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जो आपका जो आप यानी हम लोगों का जो कुछ भी एक टारगेट है कि नहीं हमारा संविधान हमें बचाना है, उस हेतु अपन जो काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लोग मिलकर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसमें एज पर सिचुएशन ज्वाइन करके नॉलेज लेना चाहती हूँ और आपसे कुछ बातें भी शेयर करना चाहूंगी। बस मेरा परिचय इस फिलहाल यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। धन्यवाद सभी को। वीना जी आप डॉक्टर मिल गया आईपैड पे, मैं सबको देख रहा हूँ सुन रहा हूँ। एक्चुअली सर जी मैं एमए इन सोशियोलॉजी में पीएचडी हूँ, धन्यवाद आपका। तो जो जो लोग आए थे, कम से कम 20-25 लोग आए थे, सभी को जय भीम, और जितने जुड़े हुए लोग हैं सभी को जय भीम। जांबुले साहब ने मुझे आपके बारे में और ये सब के बारे में बताया है, बहुत अच्छी बात लग रही है। मैं वाइस प्रिंसिपल रह चुका हूँ मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स पुणे में, तो अभी रिटायर्ड हूँ और थोड़ा सोशल सर्विस भी कर लेता हूँ। धन्यवाद सर। जी सर। हाँ, दिस इज राहुल दीपांकर, आई एम आल्सो फ्रॉम बुलंदशहर एंड ओनली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम डॉक्टर राजवीर सिंह विलेज, एंड आई वाज मेडिकल ऑफिसर इन इंडिया, came to US in 1980. I have been activist all my life. Hello. And I have been part of old Republican Party and then BSP. I also joined politics and I was a parliamentary candidate from Bulandshahr in 2014. And I've been in U.S. since 1980. It is 42nd year, and my main emphasis is on formula number one from Baba Saheb Dr. Ambedkar, that is education. And, I am gratified now to tell you that I have a 27-year-old inter-college in my own village for the girls from 6th grade to 12th grade. And I appreciate all of you getting together. I also appreciate all your efforts. And I'm very happy to see you all and hear you all. Thank you very much and Jai Bhim to all. Sadhu. Rahul Dipankar sir, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आप बने रहें, धन्यवाद आपका। भीमसेन नाइक करके जुड़े सर हमारे साथ, भीमसेन नाइक, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट वन के लिए सर। रवि महेश जी देखना और सर नेक्स्ट हम लेते हैं। सर देवेश जी उनको पा रहे, उनको बुला लो प्लीज। बात सभी साथियों यस वेलकम सर।
जी जी, मैं यूएई से हूँ और मेरे को भी हमारा एक इधर ग्रुप चलता है बुद्ध जीवन सिखाए, उसी में किसी साथी ने लिंक डाला हुआ था और मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। आस रखता हूँ इस ग्रुप से तथागत बुद्ध जी और बाबा साहब के बारे में कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप कंटिन्यू करें, कोशिश करेंगे हर रोज कुछ ज्वाइन करें, सीखें। जय भीम जय बाप, नमो बुद्धाय। थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे आप इंडिया का? सर, इंडिया जी मैं पंजाब से हूँ, तो मैं काफी टाइम से यूएई में ड्राइवर हूँ ऑलरेडी। रवि मेहे जी अच्छी तरह मेरे को जानते हैं, तो मैं काफी टाइम से यूएई में ड्राइवर हूँ। इंडिया पंजाब नवांशहर डिस्ट्रिक्ट जी सर। केस हमारे जसपाल जी जो है काफी हमारी बुद्धिस्ट अम्बेडकर कम्युनिटी में जाने पहचाने हैं और काफी इसका ब्रॉड लिंक है और बुद्ध एंड सिक्ख्यामा जो इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, काफी लोग ऑलमोस्ट 300 के करीब इनके साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब में काफी ये काम कर रहा है और सभी जगह जो हमारे जसपाल जी जो है इसे बहुत काम करते हैं, स्पेशली बीएसपी में और इधर उधर जो भी हमारी संस्थाएं काफी इसका नाम बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ जुड़े रहें तो बढ़िया बात है। थैंक यू जसपाल जी, बहुत धन्यवाद। सर वेलकम सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। अभी हेलो, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ग्रुप कब से बना है और इसके अलावा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी लगभग 200 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इन सबों का एक ईमेल ग्रुप हो और साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप हो तो अच्छा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर छोटी छोटी कुछ मैसेज वगैरह दी जा सकती है और ईमेल ग्रुप पर अगर कुछ विशेष बातें करनी है जो आर्काइव हो जाए अच्छी, जिसे लोग पीछे जाकर देख सकें, तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो ये दोनों ग्रुप बन जाए तो हम समझते हैं कि हमारे काफी बड़ी ताकत हो जाएगी। सर अपना परिचय दें सर, पहले अपना परिचय दें सर। मैं यहाँ न्यूयॉर्क में अमेरिका में हूँ, ब्रॉक्स एरिया में हूँ। सीताराम जी ने मुझे आप इस ग्रुप का से इंट्रोडक्शन कराया और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करता था जी जी। और उसके और क्या बताऊं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मेरी उम्र लगभग 80 होने वाली है जी जी। और मैं मेरी भी इच्छा रहती है कि अपने समाज करने का, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी डॉक्टर सतीनाथ जी जो सबसे पुराने और शायद पहले प्रोफेसर होंगे हमारी कम्युनिटी से, ये बिहार से आए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड बिहार से है और काफी जहाँ न्यूयॉर्क में एक्टिव रहते हैं और कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो उसमें आने जाने का इसका पहला कदम रहता है, जो डेमोन्स्ट्रेशन करने कराने का जहाँ यूएनओ के सामने ये भी इसका परमिशन लेने का और लोगों को लेकर जाने का इसका महत्व रहा है और काफी हमारी कम्युनिटी और न्यूयॉर्क में माने जाने लोग हैं और काफी सीनियर है, जैसे हमारे सर राजू कामले जी और बीके चौधरी जी तो उनके साथ ही ये वाले चले हुए हैं और काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि डॉक्टर सतीनाथ जी को भी हमारे साथ जुड़े रहे तो बढ़िया बात है जी। थैंक यू। सर को मैं बताना एक मिनट सर को मैं बताना चाहूंगा कि 8 महीने से हमारा ये चल रहा है प्रोग्राम विदा पीपल का और बहुत सारे ग्रुप्स विदा पीपल के व्हाट्सएप के बने हुए हैं सर, ऐसा नहीं बने, सभी ग्रुप काम कर रहे हैं और सभी ग्रुप बने हुए हैं सर। थैंक यू। तो
तो बहुत सा के अलावा एक सब लगभग 200 मेंबर्स हैं इसका, जो भी जितने भी ग्रुप हैं उनका नाम भेजिएगा और ईमेल ग्रुप भी एक बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मैं सबसे पहले तो मैं सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो जुड़े, क्योंकि मैं बीच में एब्सेंट हो गया था। मैं मुझे पता नहीं कौन कौन साथी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं जितने भी साथी आज जुड़े हैं मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूं और जय संविधान बोलता हूं। जी आपको भी कोटि कोटि नमो बुद्धाय, जय भीम जय भीम। मैं चाहता हूं कि जो आप आज नए जुड़े हैं उनको लीजिए, लेकिन मैं लेटर ऑन सभी से सभी का धन्यवाद एक बार फिर कर दूंगा और सभी से मुलाकात भी हो सकेगी। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज जुड़े रहिए, एक बार पूरी इस मीटिंग को देखिए, पूरा कंसेप्ट सुनिए, फिर उसको समझिए। अगर आप केवल एक एक दिन के लिए जुड़ेंगे तो आपको शायद इतना समझ नहीं आएगा। टाइम टू टाइम जुड़ते रहिए, सीखते रहिए, जितना सीखोगे उतना ही आप में ऊपर निखार आएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। रजनी बहन जी करके है, हैंड रेज है मेरा, आज अगर सुन रहे हैं तो रजनी बहन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए अपना इंट्रोडक्शन दे। रजनी करके नाम है, मेरा आवाज सुन रहे हैं रजनी? रजनी बहन जी, रजनी मैंने अनम्यूट करें, अपनी हाँ परिचय दें प्लीज। अगर सुन नहीं पा रहे तो मैं उनके पास इनवाइट करता हूँ। आनंद राव करके है, आनंद राव सर, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना परिचय दे। जय सर, जय भी। मैं आनंद राव, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी TCS में काम करता हूँ और मैं समाज से जुड़े हुए जो शिक्षा को जागृत करने की जो चीज है उसके लिए मैं काम करता हूँ। विशेषकर मैं जो काम करता हूँ वो महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो जागृति है उसके लिए काम करता हूँ मैं, और उसी के प्रति मैं जवाबदेह हूँ। और मैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो संभवतः प्रयास वही होता है कि अपने समाज को कैसे भी कैसे करके आगे बढ़ाएं और शिक्षा के प्रति जो मूल उद्देश्य बाबा साहब ने जो दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसमें मूल उद्देश्य में जो प्रथम है मैं उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की कोशिश करता हूं। समाज में जो भी ऊपर नीचे कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि मेरे समाज को अगर मैंने साक्षर कर दिया तो उसको किसी से हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हक अपना छीन लेगा, क्योंकि अगर उसके पास शिक्षा है तो, क्योंकि शिक्षा जो है मूलतः ये पैदा करती है इंसान के अंदर कि उसका अधिकार क्या है, वो जानने लगता है। तो मैं यही मानता हूं कि अगर मैंने अगर सही शिक्षा अगर किसी इंसान को दी है तो अगर वो सही शिक्षा अगर जान पाया और शिक्षा के मायने जान पाया तो वो अपने अधिकार को पहचान लेगा। अगर वो अपने अधिकार को पहचान लाया तो अपना अधिकार वो दुनिया से छीन सकता है और वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। बाबा साहब ने यही बताया था कि किसी के गुलाम मत बनो, अपनी बेहतर शिक्षित रहो, अपनी बेहतर शिक्षा अनुपालन करो और आगे बढ़ो। आनंद सर आप कौन से जगह से बिलोंग है? मेरा नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, मैं रहता देहरादून में हूँ, काम नोएडा की TCS में करता हूँ। ओके नोएडा में, अच्छा ये लिंक आपको कहाँ से मिली? जी मेरे एक मित्र है, ये एक मेरा एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप, उसमें एक मैसेज आया था, वहां से मैंने ज्वाइन किया है। यस यस यस, वेलकम वेलकम सर। 9 बजे हमारा कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट में काफी चीजें अपनी क्लियर होंगी और हमारे विचारों की देवान ज्ञान होगी, इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी जुड़ाइए सर ये संघ से। आप बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। एक सलाह, सिर्फ एक सलाह छोटी सी है मेरे पास, वो मैं देना चाहता हूँ। उनमें से एक, हम जब जूम पे मीटिंग करते हैं तो हमारे
होस्ट होते हैं और को होस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ होता है जी। तो मैं उन को होस्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी सब लोगों को म्यूट करके रखें वो जी, जी, जब जी। तक कि उनकी बात सुनने का मौका ना आए तब तक, ताकि लोग जिस लोगों को जिनको सुन रहे हैं उनको गंभीरता सुने और उसका अनुपालन करें। सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, अनुपालन करना मकसद है। अगर अनुपालन कर पाए तो हमारी एक कही हुई बात भी सैकड़ों लोगों तक पहुंचेगी और सही मायने में पहुंचेगी। ये मेरा मकसद है, ये मैं इसलिए कह रहा था। यस यस, थैंक यू सजेशन के लिए। और आप जुड़े रहिए, इनके बाद में डॉक्टर डॉक्टर टिंकू सिंह है, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। डॉक्टर टिंकू सिंह। जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम नमोबुद्धाय। मैं डॉक्टर टिंकू सिंह हूँ, मैं अभी एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर रहा हूँ सैफई से। यस सर। मेरा नेटिव प्लेस चंदौसी मुरादाबाद है। ये लिंक कहाँ से मिली सर आपको? Doctor, मैं तो ऑलरेडी मैं तो काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ वैसे डॉक्टर। अच्छा, लखनऊ में थे आप? लखनऊ में थे आप? ओके सर, वेलकम वेलकम, जुड़े रहिए। डॉक्टर टिंकू सर। जी सर। हाँ, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आप आए, अच्छा लगा सर। जी सर। यस सर, यस सर। हमारे साथ डॉक्टर रामबाबू गौतम जी जुड़े हुए हैं, जेकर उनको टाइम दो तो। और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साथियों को जोड़िएगा सर। जी सर, जी सर, रवि जी इनवाइट करिए रामबाबू गौतम को। हाँ, डॉक्टर आर गौतम के नाम से हैं, मेरे का रामबाबू गौतम जी हैं। जगाए विश्ववास के भीम से मानवता को सम्मान से तौलिए, द्वार मेरे खड़ा भीम बोलता हूँ, जय भीम जय भीम जय भीम, आप भी तो बोलिए। जय भीम, जय भीम साहब, जय भीम, जय भीम। अभी हमने सुधीर राजी साहब से जो उन्होंने कंसेप्ट दी है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और बुद्ध की फिलोसॉफी, डॉक्टर बाबा साहब के विचार, और श्रमण संस्कृति क्या थी, और श्रमण संघ कैसा हम बना सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारे जो भी साथी 323 लोग आज हमारे संघ में जुड़े हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथी यूएई से, दुबई से हैं, ये अपना माइक अनम्यूट करके कुछ बोले तो बढ़िया बात है। अरे सर, नहीं नहीं, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी, जय भारत, नमो बुद्धाय, बोलिए। पहले तो मैं ये आपको सभी को बधाई दूंगा जो आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, और जो जुड़ने की बात की है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे एक दूसरे को समझने की भी जरूरत है और एक दूसरे के पीछे चलने की जरूरत है, और उसके लिए हमको कोई अहम जो हमारे जैसे हम अहम जो व्यक्ति लगता है, जैसे पहले दिनों में गौतम बुद्ध थे, तो ऐसा कोई चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे हम लोग चल पाए, क्योंकि बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे हम लोग सब आदमी चल पाए और इजी से चल पाए, ऐसा होना चाहिए कुछ। और जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं, और बहुत अच्छा आपका ये जो प्लेटफॉर्म है सबको जोड़ना और जगाना, ये बहुत अच्छी बात है। सबको सलूट है, जय भीम, जय भारत साथियों। सर, आपका नाम परिचय तो दें प्लीज। मेरा नाम जसवीर चांद है, मैं अपने पंजाब से हूँ, अपने जलंधर से, जलंधर के नजदीक में छोटा सा गांव है चलान। जी सर, आपको ये लिंक कहाँ से मिला सर?
ये अभी मेरे को जिन्हों सरों ने अपना मेरा परिचय कराया उन्होंने ही मेरे को लिंक भेजा था, रवि सर ने। जी रवि सर, जी जी जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली जुड़े या दिल्ली होती है 8 से 11 मीटिंग? और बहुत बहुत आदमी से मैंने शेयर भी किया था और कितने आदमी उसमें से जुड़े हैं उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन यहाँ यूएई से जशपाल पाजी है और वो भी मेरी तरह बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। अगर वो जुड़े हैं तो बुला लें उनको प्लीज। हाँ जशपाल जी आप जरूर बोलिए, ये शायद पहले आ चुके हैं। सभी छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है इसमें, मैं ये मीटिंग में पहली बार जुड़ा हूँ, मैं यशपाल यूएई से हूँ। जी सर, जी सर, हाँ जी। कंसेप्ट था बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैं इसके लिए थोड़ा चाहता हूँ जैसे कोई ऐसा ग्रुप है जैसे सुधीर जी जो इन्फॉर्मेशन दिए है इसको रिकॉर्डिंग करके ग्रुपों में डाला जाए तो काफी इसका कल मिल जाएगा आपको। जी, ये बात मैं मिस कर गया, मैं चाहता था भी हमको ये रिकॉर्डिंग मिले जो इनको जोड़ के, बल्कि आप ही जोड़ेंगे वो दिल्ली लिंक मिल जाएगा इनको या वीकली जो भी जैसे सिस्टम। जी आप बता दो कि पहले भी आपके काफी और वीडियो इश्यू हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली होते हैं। रवि सर, रवि सर, जी जी, आप 5-7 मिनट ना सभी साथियों को अपना एक्सपीरियंस बताइए जब से आप मीटिंग देख रहे हैं और जो क्या बोलते मेहनत कर रहे हैं आप, जो कर रहे हैं और जो आपने काम किया है उसके बारे में जितने यहाँ साथी हैं वो सब जानना चाहेंगे, बताइए सर। या हम उन लोगों को वीडियो भेज देंगे, वीडियो में सभी देख सकते हैं तो, और वीडियो में देखेंगे तो अपने आप ही जान पाएंगे। अब बताएंगे तो काफी देर भी हो जाएगी और काफी टाइम हम आपका 5 मिनट अपना एक्सपीरियंस बताइए सर, 5 मिनट आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे सर। थोड़ा बताएं। या हमने जो लर्न किया जैसे संकेत रहे हम भी जुड़े, जुड़कर ही हम जीतेंगे और जब तक हम जुड़ते नहीं है तब तक हम लोग जीत नहीं पाएंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनआरआई और भारत के लोग जुड़े आपस में और जुड़ने के हजारों की गिनती में जुड़े, जुड़कर हम लोग बढ़ सकते हैं, अपना संविधान बचा सकते हैं, अपने ऊपर अत्याचार जो होते हैं वो हम बचा सकते हैं। हम संघ में जुड़ेंगे तो जो काम आप सोच नहीं सकते वो काम कर सकते हैं और हमारी गैदरिंग होगी, हम जुड़ेंगे और दूसरों को हमारे एनिमी को मालूम होगा कि हम लोग हजारों की गिनती में जुड़ चुके हैं तो वो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे और जो लोग व्यक्ति भी हैं वो भी हमारा बिकने बंद हो जाएंगे और हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे कि हमें सभी को गैदरिंग दिखाने की जरूरत है, संघ की हमें दिखाने की जरूरत है कि संघ में क्या क्या होता है, संघ में जुड़ने के बाद हम की कर सकते हैं, हमें जुड़ना जरूरी है, जुड़ने के लिए हमें वर्कआउट करना होगा। सभी एनआरआई और इंडियन में जो रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो सभी को हम यही निवेदन करते कि हम आपस में जुड़े और दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें और दूसरे से बात करें कि हमारा बीडी पीपल जो ग्रुप है उसमें आए, आकर जुड़े, सुने और बताएं कि इसका कितना फायदा होने वाला है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जोड़ने के ऊपर प्रयास करें, दूसरे को जोड़ने का आप प्रयास करें, दूसरे को जोड़ने के ऊपर मेहनत करें तो अच्छा होगा। तो सभी लोग जो है तो इसके ऊपर ही वर्कआउट करें और बताएं कि हमें किसी से कोई दुआनी चुआनी या रुपया लेने की जरूरत नहीं है और किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना कि जब तक ये लोग इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारे लोग जोड़ पाएंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ते हैं, काफी लोगों ने पैसा कमाया भी है, भेजा भी है, वो जो मैसेज हुआ है हमारे समाज के लिए इतना ज्यादा वो नहीं लगा पाए, तो तब तक हम लोग जुड़ेंगे और बताएंगे कि हमें किसी को पैसे के बारे में नहीं बोलेंगे और किसी से पैसा नहीं लेंगे, हमें जोड़ने का ही सबसे ज्यादा जोड़ने का ही प्रयास करना चाहिए, करना करेंगे तो काफी लोग हमें उम्मीद है कि काफी लोग हम लोग ये ज्यादा नहीं थे अप्रैल तक हम लोग चाहेंगे कि हजारों की गिनती में हम लोग जुड़े और जोड़ने के बाद फिर हम लोग सोचे कि कैसे आगे से आगे बढ़ना है। तो मैं सभी साथियों को निवेदन करता हूँ कोई इसमें जुड़ते जाएं, एटलीस्ट एनआरआई जो है एवरी सैटरडे इसमें आए
और सैटरडे में सुने और बोलें और बताएं, और जो उसके मन में क्वेश्चन है वो उठाएं और उसके क्वेश्चन का वो आंसर भी हमारे सीनियर साथी दे सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे दुबई से जो लोग हैं उसके काफी बढ़िया ग्रुप चल रहे हैं और दूसरे भी काफी ग्रुप चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर सत्यनाथ जी काफी एक्टिव हैं, डॉक्टर दीपांकर जी काफी एक्टिव है, राजवीर जी, हमारे सभी साथी काफी एक्टिव हैं जो एनआरएच में हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसके ऊपर वर्कआउट करें, आप लोग इंडिया में वर्कआउट करें, हम लोग बाहर बैठकर बाकी साथियों से संपर्क बनाए और इसमें लेकर आए, तो बढ़िया बात है। हमारे रूपलाल साथी जो है ग्रीस से, वो भी अपना न्यूज पेपर चलाते रहते हैं और चलाया इन लोगों ने, तो काफी काम करते हैं जो एनआरआई अम्बेडकर राइट है, काफी बैठे हैं, काफी बाहर है, जो यही चिंता में रहते कि हम लोग इकट्ठा कैसे हों, इकट्ठा होकर अपने लोगों के लिए काम कैसे कर पाएंगे। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे एम एस बैल साहब है जो हमारे सबसे सीनियर साथी हैं, तो काफी इनसे सीखने को मिला है और जहां पर भी आते रहते हैं आकर हमारे साथी इसको आप भी अडीक रहे हैं कि न्यूयॉर्क में आए तो हमारे बीच में बात करें, तो कनाडा में भी काफी इसको जानने वाले हैं, तो हम लोग प्लान बनाएंगे कि इसके ऊपर फिर और वर्क आउट किया जाए, तो बढ़िया बात है। आपका बहुत टाइम तो नहीं लेना चाहता मैं, तो हम बात करते जाएंगे। थैंक यू आपका, जय भीम, नौ बताएं। करमवीर सर जी मेरे से तो अच्छे हैं कि मैंने आज जितने लोग जुड़े हुए थे खाना खाने के में चक्कर में आधा पौना घंटा मैंने गवा दिया और सभी लोगों की जो इंट्रोडक्शन हो सकती थी वो मैं मिस कर गया, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो हमने कल रात को फैसला किया था मैंने और रवि जी ने दोनों ने मिलकर, और उसका जो फल आज मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग जिनको मैं 1988 में यूएसए में पहली बार मिला था वो आज इतने बड़े पैमाने पे जहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार ऐसे ही जुड़ते रहें ताकि वैसा वातावरण जब कभी हम बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटरी में जो वातावरण बना था वो ऐसा ही वातावरण अब फिर समन संघ का बन जाए और समन संघ का जो नेटवर्क है वो सारी दुनिया में एक चानन मुनारे की तरह दिखाई दे, ताकि जो भी दूर दूर से देखे उसको पता चलेगा कि ये हमारा संघ है, और जब हमारा संघ सभी को दिखाई देगा तो हमारे जो अधिकार हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली मुझे जो बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं और उसको पहचाना नहीं, और जहाँ संघ में आओगे तो बार बार संविधान की बात होगी, बार बार हमारे अधिकारों की बात होगी, तो हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं सबका धन्यवाद करते हुए रवि जी का भी खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन सभी लोगों को जिन जिन ने हमने कल नाम तय किए थे उनको सभी को कॉन्टेक्ट करके आज बुलाया। रवि जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अमरजीत बोल, अबूधाबी से बोल रहा हूँ। बोलिए सर जी, मैं सुधीर जी के विचार सुने, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही एक अच्छा आपका प्रला है जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने एक संघ बनाने की बात की है, और मैं चाहता हूं कि जो संघ जो अपने ऐसे यानी मीटिंग कर रहे हैं आप फोन पे या कैसे भी आप लाइव होके पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, ये भी सही है, ये भी चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो कुछ जितने इसमें आएंगे ज्यादातर जागृत हुए होंगे और बाकी जो लोग गांव में बैठे हैं जो जागृत नहीं है, अगर आप लोगों ने उसमें जाके कैडर लगाना हो तो वो ही सबसे अच्छी बात, तो वो होगी, ये भी चलाइए आप काम, लेकिन आप कैडर का काम भी कीजिए गांव-गांव में, तो फिर ही चलेगा, क्योंकि वो लोग नहीं जुड़ पाएंगे जहां पर जो बात वो सुन नहीं पाएंगे जिनको हमने जोड़ना है जहां पे, तो जितने भी लोग आए हैं मेरा ख्याल में जो कुछ ना कुछ जानने वाले हैं, अब सीखने में तो आपसे बहुत कुछ, जैसे धीर जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो पता चली है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन
जब आप गांव में आप नहीं उतरेंगे तो तब तक अपना काम बनने वाला नहीं है, अपना संघ बनने वाला नहीं है, फिर वही लोग रहेंगे जहां अपना वीडियो खोलिए सर, वीडियो वीडियो खोलिए सर अपना, सुनने दो सर प्लीज, सुनने दो इनकी बात करो सर, बस मैं इतनी बात कहना। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम है, यूएस है, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। अमरजीत जी जी जो आप कह रहे हैं वो सारा काम चल रहा है, गांव तक जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, मैं वही चाहता हूँ। गांव तक जा रहे, गांव गांव में मीटिंग, आज भी गांव में मीटिंग थी। अमर सिंह जी जी जी, रणवीर सर, ये अमरजीत सर यहाँ पे जो है ना, जैसे सुधीर सर ने कंसेप्ट दिया है, तो ये कंसेप्ट जो सब सीखेंगे, ये इनका नेक्स्ट जो है ना, हमें, हम सब यहाँ बैठे हैं तो हम प्रवक्ता, हमें स्पोक्स बनना है इस कंसेप्ट को, जैसे जैसे जानेंगे उतना ही हमें लाखों बनाने हैं ऐसे, तो साथ साथ ये काम चल रहा है गांव तक जाने का भी। जी जी सर, एक एक दो दस काम नहीं चल रहा ना, गाँव में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव में जा रहे हैं, जा भी रहे हैं साथ साथ, लेकिन साथ साथ ये काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है जी, मैं तो इस बात से खुश हूँ आपकी बात सुन के, और भी ज्यादा खुशी हुई है हमें कि आप लोग गांव में जा रहे हैं। अगर गांव में हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात बनने वाली नहीं है, हमारा संघ बनने वाला नहीं है। तो संघ तो हम बनाना है, तो सब गाँव को जोड़ना है साथ में, जितने लोग इधर उधर भटक गए हैं उनको वापस लाना है हर तरीके से। सर आप डेली जुड़िए और थोड़ा आप भी साथ सहयोग करें, बिल्कुल ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और भाइयों को भी आप भी जोड़ें जो आपके टच में है, साथी हैं, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं जी, हमारे जो हम लोग बीएसपी को बिलोंग कर रहे हैं, हमारे साथी जुड़े हैं, जसपाल जी जुड़े हैं, जसवीर जी जुड़े हैं, और भी कोई शायद जुड़े होंगे, हमने पूरा खोल के नहीं देखा है लिंक जी सर, जुड़े अमरजीत से आप बेनती करेंगे कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सैटरडे को और साथियों को लेकर आए, हम लोग एक साथ, या तो ठीक है, हम एक साथ जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो जरूर जी जी जरूर लेकर आएंगे जी सर जी, जरूर आपका लिंक, लिंक यही चल रहा है हर रोज। हाँ ये लिंक यही है डेली, ये लिंक है 8 से 11 डेली मीटिंग है शाम को, और हम बाकी कल से फिजिकल मीटिंग होती है, जगह जगह फिजिकल मीटिंग होती है, आज फिजिकल मीटिंग, तो आज हम थोड़ा लेट जुड़े हैं, सिर्फ सुधीर जी की बात ही सुन पाए हैं, और कल से हम लोग जो है थोड़ा पहले जुड़ेंगे और टाइम से जुड़ेंगे। आज वाली भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अमरजीत भाजी हुणी गुरदयाल बोध दे छोटे भाई सूद आले जिहड़ा बुद्ध विहार बनाया ओ सारा इन्हां दी देख रेख च आ, तुसीं तो मेरे ख्याल जानदे होंगे गुरदयाल बोध जी हुणा दे भाई साहब आ, इन्हां दी काफी जोई च साडा पंजाबियों में काफी बुद्धिस्ट जो है सभी लोग जानते हैं कि गुरदयाल बोध जी के और उसके फैमिली का काफी योगदान है और पंजाब में जो काफी बड़े बुद्ध विहार बने हैं और इसमें इसका योगदान काफी बड़ा है। मेरी आवाज आ रही सर? थैंक यू जी सर, आप अपने लोगों को भी बताइए, तो सभी को बताएं कि इस ग्रुप में आए जी। चलो हम तो चाहेंगे कि जो एन आर आई आज का रोज टाइम नहीं निकाल पाएगा तो कम से कम सैटरडे को जरूर आए, सैटरडे को जरूर टाइम निकालें तो बढ़िया बात है। हम अपने साथियों को जो एनआरआई है उसको यही बेनती करते हैं कि वो एवरी सैटरडे तो 8 बजे इंडिया के हिसाब से आए तो अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एनआरआई भी इसमें जुड़ेंगे तो बढ़िया लगेगा, और हम थोड़ा चाहेंगे कि हम एक साथ मिलकर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सुधीर सर। हाँ जी रवि जी, मेल सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा एनआरआई जो है इनको थोड़ा और रुकन टाइम दें, थोड़ा बाद में थोड़ा डिस्कस भी करना है जी। सुधीर सर। हाँ जी, और मीटिंग के बाद में जो नहीं, बैल सर आप थोड़ा सा वो बता दीजिए जो संघ बनने का है और जो सिस्टम है पूरा बनाने का थोड़ा तरीका भी है, या सुधीर सर आप ही बता दें। मेरे एनआरआई साथियों, ये एक फैसला हुआ है समन संघ में कि बहुत से हमारे जो
अलग अलग लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या सोशल वर्कर्स हैं, लेडीज का अपना ग्रुप होगा, फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका अपना ग्रुप होगा। तो ऐसे ही एक फैसला हुआ है कि भाई हम जो एनआरआईज हैं, जो विदेश देश से बाहर बैठे हैं, उनका भी एक अपना ग्रुप होगा, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि भाई एनआरआईज इस संघ को आगे बढ़ाने में, और जैसे मेरे अभी साथी कह रहे थे अमरजीत जी कि भाई इसको गांव-गांव में पहुंचाने में कैसे वो अपना साथ सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से हम जो एनआरआईज बाहर बैठे हैं, बहुत से हमारे रिश्तेदार जो हैं वो अभी गांव में, पंजाब में, या जैसे जैसे दूसरे शहरों से हम जुड़े हुए हैं या दूसरे प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, वो अगर अपने रिश्तेदारों को, अपने सखे संबंधी यारों दोस्तों को अगर एक्टिवेट कर देंगे गांव-गांव में, तो एनआरआईज की सपोर्ट से वो हमारा जो काफला है वो गांव-गांव में चला जाएगा। अगर हम गांव-गांव से जगाने में एनआरआईज अपना योगदान दे सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़े संघ का हम एक ऑफशूट विंग बनने जा रहे हैं। ऑफशूट विंग का मतलब है कि एक सेपरेट हम दल बनेंगे, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि भी जो भी एनआरआईज इसमें पहले तो समझ लें, इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, वो रवि महेश साहब को अपने टेलीफोन नंबर और अपने कॉन्टैक्ट दे दें, और फिर हम अगले सैटरडे या उससे अगले सैटरडे एक मीटिंग करके हम उनमें से कुछ स्पोक्समैन चुनेंगे जो समन संघ को समझकर अपने गांव में, अपने यारों मित्रों में, जैसे यूएई में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, बहुत से साथी जो हैं हमारे वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जहां जहां भी हम बैठे हैं, अगर हम एक लिंक बना लें, अगर एक चेन बना लें हम अपने, तो इस विचार को हम गांव-गांव में पहुंचाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान अदा कर सकते हैं। और जितना हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जितनी हम अपनी ताकत दिखाएंगे, उतने ही हमारे अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं, जिन संविधान में अधिकारों की वजह से हम पढ़ पाए, जॉब्स कर पाए, इवन विदेशों में आ पाए, वो सारे अधिकार अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, हमारे से खुसते जा रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर खुस ही गए हैं सारे, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ अगर उन्होंने योजना बना के हमसे छीन लिया है, तो योजना बना के ही हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं सारे अपने एनआरआई साथियों को कि भाई वो जिस भी देश में बैठे हैं, वो इस समन संघ से जुड़ें, पहले तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ इसका जो देश है उसको समझें, और समझकर अगर उनको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी इसके साथ ही रहे, अगर उनको अच्छा लगता है, उनको कन्विंस कर देता है कि यस ये संघ एक ऐसा है जो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और रक्षा ही नहीं कर सकता है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी इनको बचा सकता है, और उनको भी ऐसी जो सुविधाएं जो हमने देखी है, या जो आज जागृति हमारे अंदर है, उनके भी अंदर जिंदा रहे, तो इसके इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को अपील करता हूं कि आप जितने भी एनआरआईज हैं वो अपना अपना योगदान देने के लिए, जिस भी आप, जैसे एक यूएई से आज लोग काफी जुड़े हुए हैं, तो आप वहां ग्रुप बना लीजिए, यूएसए के लोग जो जुड़े हैं वो यूएसए का ग्रुप बना लें, और बाकी जो हम यूरोप से हैं यूरोप का भी बनाएंगे, तो हम सभी एक कॉमन लिंक बना के एनआरआईज का उसका इस्तेमाल करते हुए इस संघ को अपनी बहुत ताकत प्रदान करेंगे। इसी उम्मीद से कि ये कोई किसी के छाती पे ऊपर तगमा लगाने का संघ नहीं है, ये सिर्फ जो कुछ भी आप दे सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप इंटेलेक्ट दे सकते हैं, आपके पास समय है तो समय दे सकते हैं, आपके पास बोलने का हुनर है, समझाने का हुनर है, लिखने का हुनर है, और जो कुछ भी आपके पास है वो इसमें आप
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बात तो साफ है, रवि जी ने जैसे कहा कि ये संघ ना पैसा लेता है, ना कोई रिसीट इश्यू करता है और ना पैसा किसी से मांगता है। ये संघ सिर्फ एंड सिर्फ बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर ऐसी ताकत अपने आप में पैदा करने चाहता है जैसी ताकत कभी भगवान बुद्ध के विचारों ने भारत में पैदा करी थी और हमारे हमें सारी जो पॉलिटिकल पावर थी जिसमें महाराजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी हमारी जो हमारा राज आया, जो हमारी ताकत बनी, ऐसी ताकत अब भी हम दोबारा बना सकते हैं अगर इस संघ के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि समय ज्यादा हो गया, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी NRIs हैं, प्लीज 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 अगर आप इस संघ को सुने पहले, मैं ये नहीं कहता कि एकदम इसके इसमें शामिल हो जाएं, आप सुनिए समझिए और जिस दिन जितना समझ के जिस दिन आपको लगेगा कि यही एक संघ है जो हमारे सपनों को बचा सकता है, हमारे बच्चों के लिए, अब हम उनके अधिकारों के लिए बचा सकता है, उनकी एजुकेशन बचा सकता है, उनका रोजगार बचा सकता है, उनको अच्छे अच्छे सपने देखने के लिए ये रास्ता खोल सकता है, तो इस संघ के साथ जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्लीज 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 मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे NRI साथी हैं, प्लीज वो रवि मेहर साहब के साथ कॉन्टेक्ट में रहें और जो मुझे जानते हैं वो मेरे भी साथ में आ सकते हैं, तो हम आप लोगों के मार्गदर्शन देखेंगे कि अब कब जुड़ते हैं। शनिवार को तो दिन NRIs का ही होता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बगैर भी बहुत से दिन हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, जैसे मंडे को लेडीज का दिन होता है, फिर एक धम्म का दिन होता है, फिर वकीलों का दिन होता है, डॉक्टर्स का दिन होता है, जिसमें अपनी बहुत सारी जो समस्याएं हैं मेडिकल के साथ है जुड़ी हुई, आप वो भी उनकी एडवाइस ले सकते हैं, तो आप उनमें भी जुड़कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर यही अपील करता हूँ कि प्लीज प्लीज हमारे साथ जुड़िए। सर सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय और तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब की अनुकंपा से आज हम लोग जूम मीटिंग पर अटेंड कर रहे हैं, जबकि हम लोगों के तो पानी पीने का भी अधिकार के लिए भी आंदोलन करना पड़ा और रोटी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। बाबा साहब ने एक बड़ी अच्छी संस्था संविधान दिया है हमें और उसके लिए हम लोग जो उसके बचाने के लिए देश विदेश से पूरे विश्व से जुड़कर एक सभी को एक ही संदेश है, सभी के मन में एक ही भावना है और सब यही चाहते हैं कि हम लोग आजाद हो जाएं, जो बाबा साहब ने हमें एक साथ एक समय में आजादी दी और आजादी आज हम लोगों की छीनी जा रही है कुछ ही लोगों की तरफ से। और मैं तो बस ज्यादा सीख ही रहा हूँ आप लोगों से, सुधीर सर जी जो बिल्कुल डिटेल्स में बताते हैं तथागत भगवान बुद्ध के बारे में, उसका मुझे बहुत ही ज्ञान हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं आज भी मैंने करीब 10 लोगों से बातचीत की है और एक आजाद नगर में मीटिंग में भी गया था मैं, वहां भी मैंने लोगों से सबसे यही कहा था कि समन संघ का जो निर्णय है वो निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। आज उसके नाम संस्करण की विधि को संपन्न कराया गया है बहुत रीति रिवाज से, तो उसमें सभी ने हाथ उठा के उसके नाम की विधि को पूरा किया है, तो वहां भी समन संघ की बातचीत को ही महत्व देते हुए सब लोगों से कहा गया कि हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मेरे को सुना, मेरे को समय दिया और विदेश से और देश के जो दुखे हुए हैं महानुभाव प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू सर। हाँ जी जामुले सर, अब बोले। सभी को जय भीम। मुझे यही कहना है कि जो मेहनत करते हैं मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, तो कल जो हमने मीटिंग ली थी संदीप पाटिल जी के, संजय पाटिल के ऑफिस में, और आज हमने 2 मीटिंगें कंडक्ट की नागपुर में, और हमारे पुराने जो साथी थे जो बम्बई में है, पुणे में है, अलग अलग जगह पर है, तो आज पूरा दिन मैंने ये अपने समय संघ के लिए
बहुत आनंद आया मुझे और काफी लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, सो आई एम वेरी मच हैप्पी। तो मेरे साथी जो है, हमारे साथी इस प्रकार का प्रयास रखे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, ये मुझे कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, ऑल द बेस्ट, सबके लिए मंगल कामना। डॉक्टर यूवी सिंह सर, एक मिनट के लिए अगर कंक्लूड कर दें तो। जी जी, कंक्लूड मुझे ये करना है सर कि आज की मीटिंग 8 महीने के इतिहास में सबसे शानदार एंट्री हुई। विशेषकर जो हमारे जो साथी हैं, जो यूएसए से जुड़े, स्पेन से जुड़े, यूके से जुड़े, कनाडा से जुड़े, वो सभी हम धन्यवाद देते हैं उनको और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली जो मीटिंगें हैं वो और ज्यादा कामयाब होंगी। इसके साथ साथ हमारे जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से जो जुड़ने वाले साथी हैं, उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो और बढ़ चढ़ के और मेहनत करें और इस आंदोलन को वास्तव में जो असली जामा है वो पहनाने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। भाई सुधीर राज जी के द्वारा जो पहल जो शुरू की गई है, इसे हमें पूरे त्याग से, पूरी मेहनत से इसकी मंजिल तक ले जाना है, ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सभी भाई जो इसमें भाग ले रहे हैं, सभी धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस मुहिम को जारी रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब, कई लोग इसको बनाने वाले, एक नहीं सारे, कई लोग, एक सारे, काफी लोग, आप भी उसी में शामिल हो। जी सर, आप भी शामिल हो, सारा संघ शामिल है। ओ जी, सर 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 सर, धन्यवाद सर। सर सब पे सत्ता करना चाहता हूँ। आप कंसेप्ट ध्यान से नहीं सुनते, कोई भी इसको बनाने वाले तो बहुत पुराने लोग हैं, बुद्ध से भी पहले के। ये इसको चालू रिवाइव करने वाले काफी लोग हैं, संघ ही है। रिवाइव तो इसको कई बार किया है, बीच में बाबा साहब ने किया इसको, बुद्ध के बाद अशोक ने किया, महापुरुषों ने किया, संतों ने किया, साहब काशीराम ने किया, सब कर रहे हैं इसको रिवाइव। और क्या बोलते हैं, ये है कि अब इसको जोर शोर से, अब चूंकि हमारे जो नेता है वो दाएं बाएं हो गए, तो अब आम आदमी हमारे जैसे आगे, आपके जैसे आगे, अब वो लग गए इस काम में। यही है मेरा कहने का मतलब यही था। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
धम्म सरणं।